मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 3, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ज्योग्राफी पार्ट का। जैसे बच्चे लेसन शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देखते होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बच्चे मिनरल यानी कि खनिज पदार्थ, एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि शक्ति के साधन, ये दोनों ही किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए अपना बहुत ही इम्पोर्टेंस पार्ट अदा करते हैं। मतलब कि जिस भी कंट्री के पास मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ, एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि शक्ति के साधन जितनी ज्यादा होंगी, वो कंट्री उतनी ही रिच कंट्री की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। मीनिंग कि जिस कंट्री में ये दोनों ही चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो कंट्रीज रिच कंट्रीज में शामिल हो जाती है, और जिस कंट्रीज में मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज कम पाए जाते हैं वो कम रिच कंट्रीज में शामिल हो जाता है। तो अब हम मिनरल्स की डेफिनेशन देखते हैं, मिनरल का मीनिंग देखते हैं कि मिनरल होते क्या है। मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ, मिनरल्स वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मतलब तत्वों से बने होते हैं। सिंपल मीनिंग के मिनरल्स वो कुदरती पदार्थ होते हैं जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मतलब तत्वों से बने होते हैं, जो कुदरती रूप में हमें प्रोवाइड होते हैं, नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड होते हैं, धरती के नीचे से हमें मिलते हैं, और इसका अपना एक फिजिकली और ये अपना एक फिजिकली और केमिकली कंपोजिशन रखते हैं। इसका एक भौतिक एक रसायन मिश्रण होता है। ठीक है जी, मिनरल्स का मीनिंग पता चल गया कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, नेचर के द्वारा मिलते हैं, अर्थ के नीचे से निकलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ना है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस वीडियो में पार्ट वन में हमने देखनी है ओनली मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कैसे मिलते हैं, किस कंट्री में कम या ज्यादा पाए जाते हैं, इसके यूजेस क्या है, इससे कौन कौन सी चीजें बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेटैलिक मिनरल्स। मेटैलिक मिनरल्स मतलब धातु खनिज पदार्थ, ये टू टाइप्स के होते हैं, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है जी, सेकेंड टाइप है हमारी नॉन मेटैलिक मिनरल्स। नॉन मेटैलिक मिनरल्स में क्या क्या आता है, मीका, डायमंड, जिप्सम। थर्ड इज एटॉमिक मिनरल्स, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम एक्सेट्रा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स से बने होते हैं, अर्थ में से मिलते हैं। ठीक है, एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, ऊर्जा के साधन होते हैं, शक्ति के साधन होते हैं, जिसके बारे में मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सेकंड पार्ट में। इस वीडियो में हमने ओनली मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। तो जो जो मिनरल्स बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं, जिसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे वो मेटैलिक हो, नॉन मेटैलिक हो, एटॉमिक हो, उसके बारे में आज हमने अच्छे से पढ़ना है, जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो फर्स्ट इज आयरन ओर मतलब कच्चा लोहा। बच्चे हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा आयरन, वैसे तो हर प्रकार का आयरन मिलता है, जो फोर टाइप्स में होता है, सारी तरह का हमारे इंडिया में मिलता है, पर हेमेटाइटेट जो आयरन है हमारे इंडिया में मुख्य तौर पे पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा इसकी पाई जाती है। आयरन ओर मतलब कच्चा लोहा, जो और भी कई कंट्रीज में जैसे बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, यूएसए, मध्य प्रदेश, बहुत जगह पे पाया जाता है, बट इंडिया में इसकी जो एक स्पेशल जो इसकी एक किस्म है वो है हेपेटाइटस, हेपेटाइट। तो हमारी धरती क्या ऊपर वाली लेयर्स में 5% आयरन ओर पाया जाता है, कच्चा लोहा पाया जाता है। ये नहीं है कि लोहा हमने निकाला धरती के नीचे से, उसके प्रोडक्ट्स बनाने हमने शुरू कर दिए, कि कोई बर्तन बना लिया, कोई और चीज बना ली, जैसे कि हम देखते हैं गेट्स बनते हैं, ग्रिल्स बनती हैं, बहुत सारी और चीजें बनती हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं आयरन से,
बट ये नहीं है कि हमने धरती में से निकाला, अर्थ में से निकाला, जो अर्थ की फर्स्ट क्रस्ट में से 5% में से निकलता है कि उसी चीजें बना ली। नो, पहले क्या करना होता है, आयरन ओर को इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिलानी भी पड़ती है और बहुत सारी जो अशुद्धियां होती है उसकी वो निकालनी भी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो अर्थ में से आयरन ओर निकला उसके ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसे भी शुद्ध करना पड़ता है, शुद्ध रूप में लाना पड़ता है, फिर उसकी बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शुरू से लेके अब तक हम आयरन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आयरन से बहुत सारी चीजें बनाते आ रहे हैं। ये हमें किससे मिलता है, हमारी अर्थ के नीचे से मिलता है, अर्थ की फर्स्ट क्रस्ट के 5% में से हमें आयरन ओर मिलता है, जिसे इंडस्ट्री में जाकर पहले शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है, आफ्टर देन इसे हम प्रयोग में लाते हैं, जिसकी चार प्रमुख किस्में होती है। हेपेटाइट है जो इंडिया में मेनली पाया जाता है, तो सेकंड है मैग्नीज। ये एक ऐसा खनिज पदार्थ है, ये एक ऐसा मिनरल है जिससे हम आयरन और स्टील बनाते हैं। मतलब मैग्नीज की मदद से ही आयरन और स्टील बनता है, इससे ही जितनी भी चीजें हम जो स्टील्स के, मैंने पहले भी बताया कि आयरन के भी कई बर्तन बनते हैं हम देखते हैं, वैसे ही स्टील के तो हम देखते हैं मेनली जो हमारे बर्तन होते हैं, हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, वो केसीड के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। तो आयरन और स्टील दोनों चीजों को बनने में कौन हेल्प करता है, मैग्नीज। ठीक है जी, दोनों से बनता है। और बच्चे जो मैग्नीज है उससे हम क्या क्या बनाते हैं, किस किस चीज को बनाने में हेल्पफुल होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है, मेडिसिन बनती है, और भी कई सारी चीजें, जैसे कि पेंट बनाने में भी काम आता है, पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, और बैटरीज में भी, जो बैटरीज बनती है उसमें भी मैग्नीज की बरतों की जाती है। और किस चीज के लिए प्रयोग होता था, जैसे मैंने पहले बताया आयरन और स्टील को बनाने के लिए मैग्नीज की बरत होती है। बच्चे जो मैग्नीज है वो मेनली जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो इसकी उपज है, जो सबसे ज्यादा ये अर्थ से, धरती से जिस जगह पे सबसे ज्यादा मिलता है वो जिम्बाब्वे है। दूसरे स्थान पे हमारा इंडिया आता है, बट पैदावार के हिसाब से हमारा जो इंडिया है वो 5th स्थान पे आता है। इससे अलावा बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी काफी मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, वो सेकंड हो गया है मैग्नीज। थर्ड है कॉपर। कॉपर बच्चे बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट, हल्के ब्राउन कलर की एक धातु होती है। ये बहुत ही नरम होती है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट होती है। ये इग्नियस रॉक्स में से पाई जाती है, मतलब अग्नि की चट्टानों में से पाई जाती है। कॉपर का हम जैसे देखते हैं कि शुरू से ही हम बहुत ही ज्यादा यूज करते आ रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा बरतो करते आ रहे हैं, पुराने समय से लेकर आज तक कॉपर की बहुत ही ज्यादा बरतो की जा रही है। कॉपर से क्या क्या बनता है, कॉपर के भी बर्तन बनते हैं। कॉपर में जैसे कि हम इलेक्ट्रिक वायर्स देखते हैं, बिजली की तारें देखते हैं, उसके बीच भी हम कॉपर की वायर्स देखते हैं ना, क्योंकि ये बिजली का कुचालक होता है, इसमें से बिजली नहीं निकलती है, नॉन होता है, नॉन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक होता है, इसलिए इसकी वायर्स में भी बरतो की जाती है। इसके अलावा हम कॉपर के सिक्के बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाने में कॉपर है जो हेल्पफुल होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक कच्ची धात है, एक ओर फॉर्म है, जिससे क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है, और ये सफेद या पिंक रंग का होता है। बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है। ये एक ओर फॉर्म में होता है, और मतलब कच्ची धातु के रूप से धरती से निकलता है, जिससे एल्युमिनियम बनता है। सन 1886 से पहले इसके यूज के बारे में कि इससे बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे बनता है हम नहीं जानते थे, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम नहीं निकाला जाता था, क्योंकि हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, इस चीज का ज्ञान नहीं था कि इसे
बॉक्साइट से एल्यूमिनियम कैसे बनना है। बट अब इसका यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है हमारी, मतलब पूरी कंट्रीज में से उड़ीसा एक ऐसी कंट्री है जहां पे मेनली जो सबसे ज्यादा है जो मिनरल्स वो क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये बॉक्साइट है, जैसे मैंने बताया कि सन 1886 से पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि एल्यूमिनियम कैसे बनता है, बट अब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है हमारी कंट्री की, इतना ज्यादा विकास हो गया है कि अब इसमें से एल्यूमिनियम निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ये बहुत ही ज्यादा है, जिससे हमें क्या है बहुत ही मात्रा में एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। और बॉक्साइट को कैसे शुद्ध रूप में लाना है इसके बारे में भी पता चलता है। बॉक्साइट से बनता क्या है, जैसे कि कारें, मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज हो गए, समुद्री जहाज हो गए एक्सेट्रा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोल्ड, मतलब सोना। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम सब गोल्ड की वर्तों करते हैं, गोल्ड का यूज करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, हम सब चीज को बरतते हैं ना, यूज करते हैं। तो इस चीजों में से जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है, जो हमें सबको पहनने में भी अच्छी लगती है, जिसके हमें जेवर वगैरह अच्छे लगते हैं, गहने अच्छे लगते हैं, जिससे सजावटी चीजें भी बनती है, बिस्किट वगैरह भी बनते हैं, हमारे जो फैंसी टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, उसकी सजावट के लिए भी हम इसकी वर्तों करते हैं। तो गोल्ड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉस्टली होने की वजह से हमें बहुत, मतलब ये बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि इसकी जो मांग है, जो इसकी डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है, बट इसकी जो पैदावार है, इसकी जो उपज है बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए ये जो मेटल है बहुत ही ज्यादा महंगी है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये निकलती बहुत ही कम है और इसका यूजेज है और इसकी डिमांड है जो बहुत ही ज्यादा है। और अपनी जो खिंच के साथ, अपनी ब्यूटी के साथ, अपनी सुंदरता के साथ ये बहुत ही अट्रैक्टिव बनी हुई रहती है, इसकी मांग बहुत ही ज्यादा है। जो गोल्ड है साउथ अफ्रीका में लगभग 70% गोल्ड जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, मतलब हमारी कंट्री में 70% जो गोल्ड है वो कौन सी कंट्री पैदा करती है, कौन सी कंट्री में से मिलता है, वो है साउथ अफ्रीका। इससे अलावा जैसे रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, इस कंट्रीज में भी बहुत ही ज्यादा सोना है जो निकलता है, बट हमारे इंडिया में है जो 0.75% कि जो हमारे इंडिया में जो सोना निकलता है वो कितना निकलता है, 0.75%। ठीक है जी, इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनका, मतलब अब्रक। अब्रक एक ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट कलर में पाया जाने वाला एक प्रोडक्ट है मिनरल्स के रूप में, जिसकी वर्तों भी कई उद्योगों में, कई इंडस्ट्री में की जाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होने की वजह से, मतलब कि बिजली का कुचालक, मतलब जिसमें से बिजली आर पार नहीं निकलती, हमारी जो इलेक्ट्रिक मतलब फैसिलिटीज जो हमारे लिए होती हैं कि हमें करंट वगैरह ना लगे, इसलिए इस प्रोडक्ट का इसके लिए यूज किया जाता है, मतलब ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसकी मेनली ये यूजेस है। इलेक्ट्रिक वर्क्स के लिए भी की जाती है, जैसे कि आयरन होगी, इलेक्ट्रिक आयरन, बिजली की प्रेस होगी, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंडेंसर्स हो गए, बैटरीज होगी एक्सेट्रा। इसकी भी ये भी बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है बीका, यानी कि अब्रक, जैसे कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूएसए, मध्य प्रदेश हो गया एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स मतलब परमाणु खनिज पदार्थ। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, लिथियम हो गया एक्सेट्रा। मतलब एटॉमिक मिनरल्स में यूरेनियम,
थोरियम और लिथियम पाए जाते हैं। जो यूरेनियम है वो मेनली यूएसए में पाया जाता है और इसके अलावा बिहार में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में भी पाया जाता है। और बच्चे जो एनर्जी, जो ऊर्जा इन मिनरल्स सोर्सेस में से निकलती है, जो खनिज पदार्थों में से ऊर्जा निकलती है, उसे ही हम परमाणु ऊर्जा का नाम देते हैं। बट हमें इस परमाणु ऊर्जा की बरतों, इस परमाणु मिनरल्स रिसोर्सेस की बरतों बहुत ही संयम से करनी चाहिए और हमारे देश की तरक्की और भलाई के लिए करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से, इस चीजों में से बहुत ही खतरनाक परमाणु ऊर्जा बनती है। जो किस लिए बनाई जाती है, किस कंट्री, किसी भी कंट्री में किस लिए बनाई जाती है, ताकि हम अपनी कंट्री की रक्षा कर सके, उसकी संभाल कर सके। कोई भी हमारी कंट्री पे मुसीबत आती है, कोई भी अटैक वगैरह आता है हमारी कंट्री पे, कोई करता है जो कोई भी, और ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री से रिलेटेड आती है, उसका सोल्यूशन करने के लिए, उस टाइम के लिए है जो एटॉमिक मिनरल्स मतलब परमाणु ऊर्जा शक्ति, परमाणु खनिज पदार्थ बनाकर रखे जाते हैं। बट हमें इसकी वर्तों बहुत ही संयम से करनी चाहिए, बहुत ही समझदारी में से करनी चाहिए, ताकि ये जो मिनरल्स हैं वो हमारे देश की, देश में प्रदूषण ना फैलाएं, हमारे देश की बर्बादी ना करें। यही एक रीजन है कि हमें इसकी वर्तों मेनली ध्यान से करनी चाहिए, ताकि जो हमारा देश है तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया लेसन नंबर 3, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।